मध्य प्रदेश में पोषण आहार घोटाले को लेकर सियासत जारी है। गुरुवार को कांग्रेस ने राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे से राजभवन तक पैदल मार्च किया। राज्यपाल बंगूभाई पटेल को ज्ञापन देने निकले कांग्रेस के विधायकों ने भाजपा सरकार पर विधानसभा में विपक्ष की आवाज नहीं सुनने का आरोप लगाया। कांग्रेस के पैदल मार्च में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक मौजूद रहे। सदन के अंदर सरकार सदन चलाती थी, मूल मुद्दों पे बात करने देती थी। इतना बड़ा पोषण आहार घोटाला जो पूरे लगभग 40,000 करोड़ का घोटाला, उसके ऊपर चर्चा करने जाओ तो सदन के अंदर सदन बंद कर देती है। करम डैम जो 300 करोड़ का घोटाला, उस पर चर्चा करने जाओ तो कह जा भाई भूखो। भ्रष्टाचार की जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ हम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने आए। ये खरीदे हुए जनादेश की सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल कर रही है और कहीं ना कहीं आदिवासियों पर अत्याचार सबसे ज़्यादा कर रही है, भ्रष्टाचार सबसे। ऐसी सरकार को कोई रहने का अधिकार नहीं। हम बच्चों के पोषण आहार के लिए जब चर्चा करने गए तो कहीं ना कहीं चर्चा से भागते हुए सरकार ने सदन को बंद कर दिया।